हेलो गाइस, पुष्पा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे की बर्फी। तो इसके लिए मैंने 1 कप लिया है, ये 1 कप है, मैंने कटोरी में डाल लिया है इसको, चावल का आटा। और मैंने जितना मेरा ये चावल का आटा है उतनी ही मैंने ये चीनी लेके रखी हुई है। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये इलायची जिसको हम पीस के इसी में डाल देंगे। ये मैंने केवड़ा लिया है, इसकी हमें 2 बूंद डालेंगे। और सबसे मेन है इसमें दूध।
अच्छे से गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसमें और स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा घी भी डाल देंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि हमारे इसमें एक भी लम्स ना दिखाई दे। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और कुछ भुने केवड़ा की डाल देंगे और अब हम थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और अब हम जिस बर्तन में इसको बर्फी के पीस कटना हो उसमें हम इसको पलटा लेंगे। इस तरह से हमने ये थोड़ा सा बचा करके पीला कलर तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर लिया था वो डाल दिया है। तो इस तरह से इसको मिला के अच्छे से हम कलर को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये अच्छे से मिल चुका है। अब हम जा रहे हैं अपनी बर्फी को तैयार करने। तो मैंने ये लिया है बर्फी जमाने के लिए, इसमें मैंने बटर पेपर रख दिया है। मैं इसी के ऊपर अपना जो मैंने तैयार करके रखा वो डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने इस बैटर को अपना इसमें फैला लिया है और हम इसके ऊपर जो मैंने पीला वाला बनाया था वो भी हम अच्छे से इसको फैला लेंगे।
ये कितनी सॉफ्ट और कितने से अच्छे से देखने में भी इतनी स्वादिष्ट। तो बताइए खाके कितनी ना टेस्टी ये बन के तैयार हुई होगी। ये देखिए मेरी मिठाई बन के तैयार हो चुकी है।